Hey guys, welcome to my channel. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा एक सिंपल सा हेयर केयर रूटीन, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में रहता है। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता दूँ कि मेरा हेयर केयर रूटीन कैसा है। तो सबसे पहले तो आता है हेयर ऑयलिंग। ये है हेयर केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप। हेयर ऑयलिंग हमारे हेयर केयर रूटीन का एक मेजर और इम्पोर्टेंट स्टेप है। बालों को मजबूत रखने के लिए, बालों को पोषण देने के लिए, बालों को फ्रीज फ्री रखने के लिए हेयर ऑयलिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपका एक हेयर ऑयलिंग रूटीन बनाइए। आपका हेयर ऑयल जो भी हो, आप जो भी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, ट्राई करें कि वो आयुर्वेदिक हो, कम केमिकल वाला हो, उसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया हो। मैं जो हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ, ये है करी लीफ का होममेड हेयर ऑयल है, जो मैंने दो दिन पहले ही नया बनाया है। इसके पहले मैंने जटामासी का हेयर ऑयल ऐसे ही बनाकर लगाया है, जिससे मेरे बालों की थिकनेस बढ़ी है। अभी मैंने ग्रे हेयर की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये ऑयल बनाया है। तो ऐसे ही अलग अलग हेयर ऑयल में घर पर बनाती हूँ और अलग अलग जड़ी बूटियाँ में अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बालों के रूट्स से, स्कैल्प से, टिप तक अच्छे से ऑयल लगा के एक रात छोड़ देती हूँ। इस स्टेप को मैं हफ्ते में दो बार फॉलो करती हूँ, क्योंकि वीक में मैं दो बार हेयर वॉश करती हूँ। दूसरे दिन सुबह बारी आती है स्टीमिंग की। इसके लिए मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। एक बोल में मैंने गर्म पानी लिया है, इसमें मैं एक कॉटन का कपड़ा डालकर उसे गीला करती हूँ और कुछ इस तरह से बालों पर लपेट लेती हूँ। स्टीमिंग से हमारे स्कैल्प के पोर्स ओपन होते हैं, जो हेयर ऑयल हमने लगाया है वो बालों को जड़ों तक पहुंचाता है। ये स्टेप्स मैंने दिखाया है, ऐसे ही आपको 3-4 बार रिपीट करना है। हेयर केयर रूटीन में हमारा थर्ड स्टेप आता है हेयर वॉश का। हेयर वॉश करने के लिए मैं हमेशा ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ, मतलब नॉर्मल टैप वाटर का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और शैम्पू लगाते टाइम हमेशा एक मग में मैं थोड़ा पानी लेकर उसमें शैम्पू ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है, शैम्पू एक ही जगह ना लगकर पूरे सर पर अच्छे से लगता है। अगर हम डायरेक्टली शैम्पू लगाते हैं तो वो एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम ऐसे लगता है, तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को फॉलो करती हूँ। बालों को अच्छे से धोने के बाद मैं लगाती हूँ एक अच्छा होममेड हेयर मास्क। वैसे जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं कंडीशनर्स का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन है, घर पर है, तो बहुत सारे हेयर मास्क मैं लगाते रहती हूँ। और ये जो हेयर मास्क है, ये स्पेशली मैं समर्स में, गर्मियों में लगाती हूँ। गर्मी की वजह से स्कैल्प में भी पिंपल्स और घमोरियों की प्रॉब्लम होती है, तो स्कैल्प को ठंडा रखने के लिए आप भी इस तरह के हेयर मास्क को जरूर ट्राई कीजिए। ये स्कैल्प को कूल करता है, बालों का झड़ना कम करता है, और जिनके ड्राई हेयर है उनको भी अच्छे से कंडीशनिंग करता है। इस हेयर मास्क के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पुदीना, यानी कि मिंट। पुदीने के 5-6 पत्ते मैंने लिए हैं और उसको अब मैं इस तरह से क्रश करूंगी। अब मैंने नेक्स्ट लिया है कोकोनट मिल्क। ये डाबर का कोकोनट मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो होममेड कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ पुदीना ऐड करूंगी और लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी ऐड करूंगी। एलोवेरा जेल से डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होने में हेल्प होती है। तो इस हेयर मास्क को आप अपने स्कैल्प में लगाइए, 20-25 मिनट तक रखिए और हेयर वॉश कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारी आती है हेयर सीरम की। तो मैं 2 टाइप के हेयर सीरम यूज करती हूँ। एक है मेरे स्कैल्प के लिए और एक है जो हेयर लेंथ और टिप्स पे मैं लगाती हूँ। जो सीरम मैं स्कैल्प पर लगाती हूँ, ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है। ये है वेलग्रो का हेयर सीरम। ये है 60 ml की बॉटल और ये अराउंड 1300-1400 रुपीज में आती है। और जो दूसरा है, ये है बायोमेट्रिक्स का हेयर सीरम, जो मैं हेयर लेंथ और टिप्स के लिए यूज करती हूँ। और ये 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस 295 है। ये दोनों बहुत ही अच्छे सीरम हैं। आप चाहे तो इन्हें परचेस कर सकते हैं। मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था मेरा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका हेयर केयर रूटीन कैसा है, ये मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।